नमस्कार दोस्तों, आप सब पर स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों आज मैं दिखाने वाला हूँ कि एक ऐसी मशीन जो चुटकी में ही आपको इतने सारे अच्छे मसाले पीस के दे दे। दोस्तों हमारे इंडिया में मसालों को महाराजा माना जाता है। हमारे इंडिया में मसालों के कारण ही ब्रिटिश का राज आया था कि वो सिर्फ मसाले लेने आए थे और पूरे इंडिया पे राज कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ सबसे ज़्यादा है, एक गुरुओं का ज्ञान जो कि कभी पूरा नहीं होगा और दूसरा माँ के हाथों का पिसा हुआ मसाला। दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में पहले देखा जाता था कि माँ कैसे बड़े बड़े सिल्वर टेपे और उस पर चटनियाँ बनाती थी, बड़े बड़े वो जो कूटने के आते थे उस पर मसाला कूटती थी। हमें देख के बहुत क्या आता था कि क्यों हमारी माँ बहने इतनी मेहनत करी है कि वो मसाले के लिए। दोस्तों आज एक ऐसी कंपनी जो कि सिग्माटेक इंजीनियरिंग ने उस काम को चुटकियों में कर दिया, जो कि लाए हैं मसाला ग्राइंडिंग मशीन। दोस्तों ये मशीन ऑल इन वन मशीन है। चिकन मसाला से लेके गरम मसाला, पाव भाजी मसाला और की बहुत टाइप का मसाला जो कि खाने में इस्तेमाल होता है बना सकते हैं। दोस्तों आज मैं आपको इसका लाइव डेमोस्ट्रेशन दिखाऊंगा कि मशीन में क्या है। इससे पहले आप मैं आपको दिखाऊंगा कि आज हम लोग क्या क्या पिसाने वाले। दोस्तों मैं आज इसे पिसाने वाला हूँ मिर्ची और धनिया, जो एक गरम मसाले का एक वो चीज़ देगी, वो पिसाने वाला हूँ। और अभी इस मशीन के ऑपरेटर मिस्टर दशरथ को मैं बुलाना चाहूँगा, हमारे वीडियो में इन्वाइट करना चाहूँगा। कैसे सर? तो सर आज हमें पूरा बताएंगे, मशीन की गाइडेंस देंगे, हमें इसका इम्पोर्टेंस बताएंगे कि मशीन कैसे यूज़ किया जाता है, कौन से इस मशीन का पार्ट है। सर आप मुझे बता सकते हैं मैं कि इस मशीन में सबसे ज़्यादा बड़े एडवांटेज क्या है कि मशीन का प्रोडक्शन एक घंटे में कितना किया जा सकता है? ये वाला जो मशीन हैवी ड्यूटी ग्राइंडिंग मशीन है, यानी कि ओनली फॉर ये स्पेशल मसाला के लिए मशीन है। यानी कि इसमें हम जो बात करें प्रोडक्शन, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन जो है उसमें मिर्ची भी लोग मिक्स करते हैं, धनिया भी मिक्स करते हैं, कोई पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट नहीं चलाएंगे। यानी कि लोग जो है सारा मसाला मिक्स करके अपना जो चलाएंगे, तो उसमें क्या है कि ये वाला जो मसाला है कि यानी कि मिर्ची है, धनिया है, खड़ा लौंग मिर्च है, काली मिर्च है, तो तज पत्ता है, तो साथ में मिक्स करके इसके अंदर चलाएंगे। अच्छा, मतलब सब टाइप का मसाला इसमें बन सकता है? बन सकता है। यानी कि इसका हम बात करें तो एक घंटे में आपका जो ये मसाला जो पिसाई करने का जो है, एक घंटे में आप उसमें जाली के अनुसार प्रोडक्शन है। अच्छा। यानी कि आप सबसे बारीक है तो आपका 10 से 15 किलो एक घंटे में आपका पिसाई मसाला होगा। यानी कि अगर आपका थोड़ा 2 mm की जाली है तो आपका 15 किलो समथिंग आपका अप्रोक्स प्रोडक्शन रहेगा। अगर बड़ी जाली होगा तो उसी हिसाब से 20 किलो तक आपका प्रोडक्शन रहेगा। अच्छा, और इसमें आप मुझे बता सकते हैं इसमें कौन से टाइप की ब्लेड्स लगी हुई है? जैसे कि मैं अब हर चीज़ में ब्लेड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ब्लेड से हर एक चीज़ की एकदम बारीकी से कटी होगी। जाली तो इम्पोर्टेंट है जैसे आपने हमको बताया, आप इसमें बता सकते हैं कौन से टाइप की ब्लेड लगी हुई है इसमें? हमारे जो अंदर जो हमारा जो ब्लेड है, यानी कि जो मसाला के लिए जो स्पेशल ब्लेड आती है, वही हमने जो इसका इस्तेमाल किया है। यानी कि ये जो पूरी नई टेक्नोलॉजी के अनुसार हमने ये मशीन बनाया है, क्योंकि हमारा जो व्यूअर हमारा जो क्लाइंट थे, उन्होंने उनका ही सजेशन था कि इस तरह का मशीन आप बनाओ, तो हमने इनके लिए ये स्पेशल मशीन मॉडिफाई किया है। यानी कि ये वाला जो मसाला के लिए स्पेशल बनाओ, तो उनके लिए स्पेशल मसाला के लिए मशीन बनाया हुआ है। चलो बढ़िया, अब हमने आज इस मशीन के बहुत सारी चीज़ें जानी, जैसे कि इनके ब्लेड के हिसाब से इसका प्रोडक्शन होता है, अंदर जो ब्लेड्स है वो तगड़ी है, यहाँ पे हम तीन टाइप की ये जो चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है, मेटल की, प्योर मेटल की। अब दोस्तों इसका मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा, ठीक है, जो मिर्ची और धनिया के सीड्स का लाइव प्रोडक्शन दिखाऊंगा। स्टे ट्यून्ड। दोस्तों जैसा आपने अभी देखा कि हमने कैसे हमारा मसाला अंदर ऐसे ग्राइंड होने के लिए भेजा और कैसा मसाला भी ग्राइंड हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ग्राइंड होके आया है।
दोस्तों आप देख सकते हैं कितना बारीकी से ये मसाला पीसा है, एग्जैक्ट एकदम। अब दोस्तों मैं आपको दिखाऊं ये मसाला, देखिए कहीं पे भी कुछ भी आपको दाना छिलका कुछ भी दिख रहा है, एकदम क्लीन पाउडरिश पूरा का पूरा मसाला, ठीक है आप ये देख सकते हैं। और ये देखिए कितना एकदम पाउडर बारीकी मसाला है जो हमने हमारा गरम मसाला अभी बनाया, जो कि हमारा मिर्ची और धनिया पाउडर का मिक्सचर था। दोस्तों ये मशीन इतनी पावरफुल है कि इतना एकदम ऐसा प्रोडक्शन भी कर सकती है, ऐसा एकदम क्लीन हाइजीनिक मसाला दे सकती है। अब दोस्तों अगर आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में बहुत मिलावटे मसाले आते हैं, कि पाउडर से मिर्ची का जो पाउडर है वो कम होता है और एसेंशियल्स या अलग जो प्रिजर्वेटिव्स जिसे बोला जाता है वो पाउडर आजकल ज़्यादा आने लगे मसालों में, लेकिन आप इसे घर पे बैठ के चला के आपके लाइव आप ऐसा मसाला पीस सकते हैं और आगे अगर आपको इसे बेचना हो तो बेच सकते हैं। दोस्तों सिग्माटेक इसमें आपको, अब इसकी जाली की बात करूँ तो ये कभी कभी ऐसा होता है कि जाली में रस्ट लगना कभी कभी हो जाता है, ठीक है। इसमें मेटल ना इसमें आपका है ना हमारा है, इसमें मेटल का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा भी कभी फ्यूचर में होता है तो सिग्माटेक इसको आपको ये चीज़ बदल के भी देगा और एग्जैक्ट अच्छी तरह करके भी देगा। दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो इसको आपको दो चीज़ में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहले इसका मोटर, दोस्तों अगर आपने मोटर के ये बोल्ट्स, ये जो आप देख रहे हैं कि ये बोल्ट्स हैं लगे हुए हैं, अगर आपने इसका ध्यान रखा, ठीक है, इसको एक क्लीन रखा, इसका एकदम प्योर मेंटेन रखा, तो इस मशीन की जो मेंटेनेंस का, जो ओवर मेंटेनेंस का पैसा आता है बंद हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, जब भी आप मशीन कहीं पे अगर आप ले लेते हैं तो दोस्तों अगर आप ये मशीन को आप अच्छे से यहाँ पे स्क्रूज़ में इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, अंदर पूरा स्क्रू में दबा देंगे, ठीक है, अगर इसको ज़मीन के अंदर ऐसे इंस्टॉल कर देंगे तो मशीन हिलेगी बिल्कुल नहीं। अब दोस्तों अगर मैं आगे बात करूँ इसके बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ की, तो इसमें बहुत सारी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है। आप इसमें खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं या आप किसी होलसेलर को इस मसाले को बेच सकते हैं, जैसा आप करना चाहे आप कर सकते हैं, बट इसमें आपको बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट होगा। और बिज़नेस की डिमांड इतनी है कि हमारे इंडिया में मसालों की तो रेंज ही रेंज है जो कभी ख़त्म ही नहीं होगी, इतना डिमांडिंग बिज़नेस है। दोस्तों अगर आपको ये मशीन अच्छी लगी हो और इस मशीन में आपको कुछ एडवांटेजेस दिखे हो तो ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। और दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेशन या अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करना ना भूले कि आपको इस मशीन में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा और हम आगे चल के क्या चेंजेस ला भी सकते हैं। दोस्तों और हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट कंटेंट नेक्स्ट मशीन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।